हेलो स्टूडेंट्स, आई एम गीता चुग. वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद गीता मैम. गुड मॉर्निंग एवरीवन. हेलो एवरीवन, नमस्ते. हाउ आर यू ऑल? व्हाट्स अप? हाउ इज गोइंग? ये बहुत सारे तरीके हैं किसी को भी ग्रीट करने के, वेलकम करने के, किसी का अभिवादन करने के. ठीक है, तो हमने बहुत से डिफरेंट तरीक़ों से किसी को वेलकम करना देखा. इसी तरीके से ग्रीट करने के बाद में आते हैं इंट्रोडक्शन पे. जब आपको खुद को इंट्रोड्यूस करना है तो आप बोल सकते हैं माय नेम इज़. इसके अलावा यू कैन से आई एम. कुछ लोग माय सेल्फ का भी यूज़ करते हैं, लेकिन ये नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इंट्रोडक्शन है, तो हम इसे अवॉइड करेंगे. आप जब किसी और का इंट्रोडक्शन कम्प्लीट हो जाता है उसके बाद में कहिए नाइस टू मीट यू एंड देन गिव योर इंट्रोडक्शन बाय सेइंग आई एम. इसी तरह आप प्लीज टू मीट यू, आपसे मिलके खुशी हुई, ये भी कह सकते हैं एंड देन यू कैन से आई एम. अब आपको अपना इंट्रोडक्शन जब देना है तो आप कह सकते हैं लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ या फिर आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. इनको यूज़ करते हुए आप अपना इंट्रोडक्शन बिगिन कर सकते हैं. अब ये जो भी सब मैंने आपको किसी को वेलकम करने के लिए या खुद को इंट्रोड्यूस करने के अलग अलग तरीके बताए, वो तरीके अलग हैं लेकिन सबका काम एक ही है. इसी तरह से इंग्लिश में सिनोनिम्स होते हैं, वर्ड्स दैट हैव द सेम मीनिंग. ऐसे वर्ड्स जिनका मीनिंग सेम है लेकिन उनकी स्पेलिंग्स कहीं ना कहीं वेरी करती है. जैसे आप यहाँ देख रहे हैं चिल्ड्रन एंड किड्स. चिल्ड्रन और किड्स दोनों का मतलब सेम है, प्रेजेंट हो या गिफ्ट दोनों का मतलब सेम है, लेकिन इनकी स्पेलिंग्स में डिफरेंस है. तो आज हम कुछ ऐसे वर्ड्स सीखेंगे जिनको कॉमनली इतना यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन अगर हम उन्हें अपनी प्रैक्टिस में लेके आएंगे स्पेशली इस लॉकडाउन के टाइम में, तो हमारी इंग्लिश सुपर लगने वाली है. सिनोनिम वर्ड सुनते ही बोर्ड फील करने की जरूरत नहीं है. देखिए आपके सामने क्या है, दो क्लाउन्स, जोकर. इन दोनों की शक्ल में, इनकी अपीयरेंस में, ड्रेसेस में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस दिखाई दे रहा है, लेकिन इनका काम क्या है, सेम है ना. तो जो सिनोनिम्स होते हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं. जब हम इन्हें सीख जाते हैं तो हमारी लैंग्वेज रियली ऑर्नामेंटेड हो जाती है, बहुत सुंदर लगती है हमारी लैंग्वेज. तो इसीलिए पूरे इंटरेस्ट को बनाकर हम कुछ नए वर्ड्स आज सीखने वाले हैं. हम सब वेरी का यूज़ बहुत करते हैं. आज हम सीखेंगे हाउ टू राइट विदाउट वेरी. अगर आप वेरी हैप्पी हैं तो आप कहिए ओवरजॉयड. ओवरजॉयड कहने से सामने वाला इम्प्रेस हो जाएगा. अगर आप बहुत सैड हैं तो आप कह सकते हैं आई एम फीलिंग डिस्पोंडेंट. ठीक है, वेरी सैड तो सब बोलते हैं, तो हम अगर थोड़ा सा डिफरेंट बोलेंगे तो डेफिनेटली हमारी लैंग्वेज, हमारा स्टाइल सबसे डिफरेंट दिखाई देगा. ठीक है, तो वेरी हैप्पी रिप्लेस्ड बाय ओवरजॉयड. आगे से हम वेरी हैप्पी नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे आई एम ओवरजॉयड. एंड व्हेन वी आर वेरी सैड हम बोलेंगे आई एम फीलिंग डिस्पोंडेंट या फिर आई एम डिस्पोंडेंट. मतलब वही बनेगा कि मैं बहुत दुखी हूँ. वेरी गुड हर कोई बोलता है, लेकिन आप बोलेंगे आज से एक्सेप्शनल. अक्सर हमारे पेरेंट्स, टीचर्स जब हमारे काम से खुश होते हैं तो वो बोलते हैं वेरी गुड. आपके पास मौका है कि जब आप किसी के काम से खुश हो आप बोलें एक्सेप्शनल. एंड बिलीव मी, अगर एक बार आपने ये वर्ड्स गेम खेलना शुरू कर दिया, इस तरह के नए नए वर्ड्स को यूज़ करना शुरू कर दिया, तो ये मैजिक आपके घर के हर मेंबर पे दिखाई देने वाला है. कॉम्पिटिशन होने वाला है सबके बीच. ऐसे ही कुछ और मैजिकल वर्ड्स में है वेरी इम्पॉर्टेंट. इसकी जगह आप यूज़ करें असेंशियल. इट इज़ असेंशियल. ठीक है, वेरी इम्पॉर्टेंट हम आज से नहीं यूज़ करेंगे. उसके बाद में वेरी अनयूजुअल. अनयूजुअल मतलब जो साधारण नहीं हो. असाधारण इसका सिनोनिम होगा और इसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. ठीक है, उसके बाद में वेरी चीयरफुल. चीयरफुल का मतलब होता है जो हमेशा खुश रहता है ना. हम बहुत चीयरफुल हैं तो हम बोलेंगे आई एम अ हिलेरियस पर्सन. वेरी एक्सपेंसिव प्राइसलेस. वेरी फनी रिडिकुलस. इस तरह से वर्ड्स रिप्लेस करके, नए वर्ड्स यूज़ करके आप अपना स्पोकन ही नहीं बल्कि अब जब आप राइटिंग में ये वर्ड्स इस तरह से यूज़ करना सीख जाएंगे तो आपके टीचर्स, प्रिंसिपल, एवरीवन इज़ गोइंग टू एडमायर यू. आपका आज का टास्क है कि आपको ऐसे ही दो वर्ड्स कम से कम मुझे भेजने हैं जिनमें आपने वेरी को रिप्लेस करके एक सिंगल वर्ड का यूज़ किया है. मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जल्दी से जल्दी ये आंसर्स मुझे भेजने वाले हैं. सो कीप लर्निंग एंड कीप रॉकिंग.